मैं हूँ नईमा और हम हैं टीम होम लव लाइफस्टाइल। आजकल मौसम कितना अच्छा हो गया है। आई नो जहरा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस मौसम में जी चाहता है कि बाहर आके खुली फिजा में बैठ के कुछ थोड़ा सा बाहर वक्त गुजारा जाए, है ना। घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इधर ही बैठे हैं, खाना खाएं, चाय पिएं। तो फिर जो घर में कोई बालकनी हो, कोई खाली जगह हो, बरामदा हो, उसको हम सेटअप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए एक्चुअली, उस मौसम का फ़ायदा उठाएं। घर में जो भी सामान है, कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है या जो भी सामान है, हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं और इसको सजाते हैं। बिकॉज एज यूजुअल वी आर ऑन अ बजट। यस ज़हरा, वी आर ऑन अ बजट और हम बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं खर्च करेंगे, हम घर का ही सामान इस्तेमाल करेंगे। हमने इस जगह के लिए सिर्फ एक चीज खरीदी है और वो है ये चिक्स, जो मार्केट में सबसे सस्ती वाली है। ये सोफा अंदर एक बेडरूम में था, लेकिन इस पर कोई नहीं बैठता है, तो हम इसको बाहर ले आए। फिर दीवारें सजाने के लिए एक पुराना खिड़की का फाटक लगाया और ये मिट्टी की प्लेट्स जो अंदर एक डब्बे में पड़ी हुई थी। ये कुर्सियाँ भी पुरानी फर्नीचर की दुकान से है, यहाँ कोई चीज नई नहीं है। एक कालीन बिछाया, इससे वो कोजी फीलिंग आती है। मुझे ये अफगानी किलम बहुत पसंद है। छत से कागज का लैंटर्न लटकाया, ये बिल्कुल महंगा नहीं है, लेकिन अगर बजट है तो केन का लैंटर्न और भी खूबसूरत लगेगा। एक बेंच बाहर बरामदे में पड़ा था, इसको हमने नीले पेंट से रंग दिया तो बिल्कुल खिल गया। इसको मेज की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब मजीद सजावट के लिए घर से चीजें जमा करें। हमारा पसंदीदा हालांकि मिट्टी की बनी हुई चीजें हैं। और सबसे जरूरी हैं पौधे। ये सब आम पौधे हैं, लेकिन सेहतमंद और हरे भरे। ये तुलसी का पौधा तो मच्छरों को भी दूर रखता है। ये रिवायती मर्तबान हैं, जिनमें अचार भरा जाता है, लेकिन ये अब इस्तेमाल में नहीं है तो हम इधर ले आए। ये हमारी देसी लालटेन है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये रात में रोशनी देंगी और हवा से बुझेंगी नहीं। कुशन्स, ये जामवार शॉल जिसमें थोड़े छेद हो गए थे, अब सोफे में जान डाल रही है। फूल होने चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये बैम्बू है। कैंडल्स और अब एक कप चाय। बस अब सिर्फ चाय की कमी रह गई थी। बिल्कुल, और मैंने ये बैम्बू भी लगा दिया है। मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में इसी तरह का माहौल सेटअप था? बिल्कुल ऐसे ही था। इतना ये पुरसकून माहौल है, इतनी ग्रीनरी है, बस परफेक्ट है। अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन या इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो, तो हमें नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर ज़रूर लिखें या मैसेज करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज़।